हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेटिंग है, इसके मदद से आप ऑटोमेटिकली आपका जो साउंड है इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम बटन आपका खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर वॉल्यूम बटन खराब हो गया है तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक सेटिंग को इनेबल करना होगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेसिबिलिटी। जैसे ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है। अगर ये आपका इस तरीके से ऑफ होगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ से ये वाला ये ऑन हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप इसको बीच वाला बटन दबा के रख लीजिए और यहाँ से आप जो मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बटन वगैरह काम नहीं करता है तो यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और ब्राइटनेस को भी घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जितना मर्जी चाहे वो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। आप और भी फीचर्स है इसमें जो काम के हैं, और यहाँ से भी ब्राइटनेस वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, बटन की ज़रूरत नहीं इसको लॉक करने के लिए। यहाँ से आप पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ऑन तो नहीं कर सकते पर हाँ, ये यहाँ से रीस्टार्ट जरूर कर सकते हैं। ये रहा, ऊपर की तरफ ले जाइए और छोड़ दीजिए, लेकिन मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा था। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।